हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज जो है मतलब कितनी तारीख है, आज तारीख का मुझे याद नहीं, 16 तारीख है और आज मंडे है। और आज जो है अपन कोचिंग जाने वाले हैं, कोचिंग मतलब चूरू। आज छोटा मोटा काम है, फॉर्म भी भरवाना है, फिर अपन पूरा टाइम कोचिंग में ही रहेंगे। शाम को लगभग जो हमारी ट्रेन है कितने बजे है, 5:40, उस ट्रेन में अपन आने वाले हैं। तो गाइज अभी चलते हैं अपन चूरू, या बोले तो कोचिंग। तो भाई फाइनली अभी मैं कोचिंग से बाहर निकल चुका हूँ और अभी जो है मैं यहाँ से देखो, हमारे यहाँ से पिकअप जो जाती है वो आज जो है यहाँ से पिकअप नहीं जा रही। गाइस पिकअप तो जा रही है, मतलब उस पिकअप का टाइम है 5:00 प्रॉपर निकल जाती है, 4:55 पे निकल जाती है, लेकिन मैं तो 5:20 पर आया हूँ। हमारी कोचिंग की छुट्टी तो हो गई थी लगभग 4:30 और कोचिंग में आपने देखा मैंने वॉइस ओवर किया है, तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ, ट्रेन में जाना पड़ेगा क्योंकि अपनी जो पिकअप जो है वो निकल चुकी है, तो कोई बात नहीं मैं ट्रेन के अंदर जाऊँगा। तो गाइस अभी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा ये घुमा देता हूँ बाजार। सबसे पहले अभी पापा ने कहा था सब्ज़ी लेने के लिए, तो थोड़ी बहुत अपन सब्ज़ी लेने वाले हैं और बाद में जो है अपन चलेंगे अपने रेलवे स्टेशन। तो गाइस अभी अपन चलते हैं फाइनली सब्ज़ी लेने के लिए, जो हमको यहाँ सब्ज़ी ठीक लग रही है। अंकल जी सब्ज़ी क्या भाव है? प्याज 20 रुपये किलो, पहले भी यही प्याज था लेकिन अभी जो थोड़े महंगे हो गए हैं। एक किलो प्याज ले लेते हैं। पापा ने कहा था थोड़ी बहुत मिर्ची लेने के लिए, तो मिर्ची भी ले लेते हैं। भाई साहब मिर्ची के भाव 20 के भाव 30 क्या? तो ख़राब थोड़ी हुआ है, 2-3 दिन तक कौन नहीं होगी, तो आधी किलो आकर के। तो थोड़ी बहुत अपन ने मिर्ची ले ली है और थोड़ी बहुत अपन ने प्याज ले ली है, ये अपना रेडी हो गया प्याज मिल के। सब्जी ले लिया यार, कल भूल गया था पापा ने, कल भी बहुत मेरे को पापा ने बोला आज सब्जी नहीं लेके आया, तो आज अपन ने सब्जी भी ले लिया। तो अभी अपन चलते हैं सब्जी लेके अपने रेलवे स्टेशन। तो भाई अभी जो है मतलब मैंने बिस्कुट खाने की मन में आ रही थी, तो मैंने एक पार्ले जी बिस्कुट ले लिया। पार्ले जी बोलता हूँ ना, एक मतलब इंस्टाग्राम पर वो चल रहा था फ्री टॉप, एक कमेंट बना मैंने उस रील पे कि इंडिया में तो पार्ले जी है भाई, टॉप जी लिया। टॉप जी आप जानते होंगे एंड्रयू ट्रेट को, दो भाई है बड़े गजब के भाई है, इतना मोटिवेट करते हैं यूथ को। तो गाइस अरे एक बात बताता हूँ यार, अभी मैंने जो ट्रेन का टाइम देखा है, अभी ये जो ट्रेन आगे खड़ी है आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन रेड कलर में एक ट्रेन खड़ी है, वो ट्रेन है वो बांद्रा जाती है, यहाँ से दिल्ली मुंबई बांद्रा। तो जो है मेरी वाली जो ट्रेन है उसका टाइम है 5:40, 3 मिनट बाद ट्रेन आनी चाहिए थी लेकिन वो अभी 3 मिनट बाद आ रही नहीं है। वो ट्रेन जो है आएगी 6:02 पे, और मुझे कंफर्म है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ट्रेन और भी लेट करेगी, और फिर देखते हैं मेरे को कितने बजे घर पे छोड़ती है। तो गाइस ये देखिए वहाँ पे LED भी लगी हुई है, वहाँ पे जो भी ट्रेन जाती है वो वहाँ पे लिखा हुआ दिखा देती है, लेकिन मगर प्रॉब्लम ये है वहाँ पे दिखा तो देती है लेकिन एक सिस्टम और हो जाती है, ट्रेन होती लेट है वो कंट्रोल टाइम वहाँ पे फिक्स कर देती है, और ये जो वेयर इज माई ट्रेन जो एंड है उसके अंदर ट्रेन जो बताती है कई बार लेट हो जाती है, तो ऐसे बताती है मतलब 23 मिनट पहले 12 मिनट पहले मतलब अपडेट बताता है उसका, ऐसे होता है ना अपडेट 2 सेकंड्स अगो, तो वो एकदम करेक्ट बताती है, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना अपडेट 3 मिनट्स लेटर, ऐसे तो मतलब वो बहुत गलती बताती है। तो भाई अभी टाइम हो गया 6:19, मैंने कहा था टाइम दिखा रखता 6:02, 6:20 पर अभी ये ट्रेन आई है, तो मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया हूँ। अभी अपन चलते हैं, बस अब आगे कोई क्रॉसिंग ना हो।
अभी जो है मैं घर पे ही पहुंच गया है। ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं थी वैसे, जितनी स्टेशन पे लेट थी उसके बाद एकदम टाइम पे थी। और डेली की तरह मैंने पापा के लिए बीडी भी ले रही है। और अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं फ्लिपकार्ट से मैंने एक ऑर्डर मंगवा रखा था। फ्लिपकार्ट पिछली बार भी ऐसे किया, मैंने कान की जो मशीन आती है वो मंगाई थी, वो लास्ट टाइम पे आके फिर मतलब डिलीवरी नहीं होती उसके टाइम पे। मतलब बहुत सारे मैंने हेल्प के लिए कॉल भी किए लेकिन डिलीवरी नहीं पाई। तो पिछली बार फिर वो मैंने चीज़ अमेजोन से मंगाई, उसी बार की तरह मैंने एक ट्राईपॉड मंगा रखा था और फ्लिपकार्ट से नहीं आया, तो वो भी आज मैं अमेजोन से। तो गाइस आज का व्लॉग जो है अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।